हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई पंकज मिश्रा वेलकम यू ऑल अन अकेडमी कंप्यूटर साइंस प्लेटफॉर्म। मैं पंकज मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अन अकेडमी के इस कंप्यूटर साइंस प्लेटफॉर्म पर। गाइस गाइस, दिस इज योर चैनल, ओके। तो फटाफट आप सारे लोगों को क्या करना है, इस सेशन को शेयर करना है अपने सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, जहां जहां जिस जिस सोशल मीडिया से आप लोग कनेक्टेड है आपको शेयर कर देना है। आज हम लोग यहाँ पर इस मैराथन सेशन में गाइस 10 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चंस हो सकते हैं गाइस, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क पर। किस पर? कंप्यूटर नेटवर्क पर गाइस। तो फटाफट सारे लोग लाइव आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए गाइस। तब तक मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। हुआ मैं मायसर पंकज मिश्रा, क्वालिफाइड गेट 3 times एंड आई ऑल्सो क्वालिफाइड HAL, ISRO एंड DTU, HAL, ISRO and DTU, and I have got 7+ year teaching experience at different platforms, guys. और जो computer science के मैं subject लेता हूँ, COA, CN, TOC and compiler design. So guys, अगर आप में से किसी को भी an academy plus join करना है, so guys, this is my code PLIFE. इस code को आप जैसे ही use करोगे, आपको 10% का discount मिलेगा. कितने percent का? 10% का discount मिल जाएगा, guys. आपकी subscription fee पर. तो गाइस, अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने के बेनिफिट क्या है, आइकॉनिक को ज्वाइन करने के बेनिफिट क्या है, मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ गाइस। आप अगर अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करते हो तो गाइस आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेगी, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से। जितने भी एजुकेटर्स गेट एंड ESE कैटेगरी में है कंप्यूटर साइंस में, उन सबकी लाइव क्लासेस आप लोग एक्सेस कर पाओगे, रिकॉर्डेड वीडियोज भी एक्सेस कर पाओगे गाइस। क्रैश कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं, वीकली टेस्ट वहां पर मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलेंगे अलग से, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको वहां पर बैचेस मिलेंगे, इन विच यू आर कंफर्टेबल यू कैन ज्वाइन, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस मिलेंगे गाइस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या है, आपको पर्सनल कोच असाइन किया जाएगा, स्टडी प्लानर आपको वहां पर मिलेंगे, स्टडी बूस्टर सेशंस वहां पर आपको मिलेंगे, आपके टेस्ट की पर्सनल एनालिसिस की जाएगी और आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स गाइस टू ज्वाइन एन अकेडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो ये हम लोगों की पूरी टीम है गाइस। अगर आप एन अकेडमी प्लस को ज्वाइन करते हैं मेरे कोड को पी लाइव को यूज करके, पी लाइव को यूज करके, तो आप इस पूरी टीम को ज्वाइन कर लोगे दोस्तों, और इस पूरी टीम के साथ साथ जो अदर्स एजुकेटर्स हैं उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लोगे गेट एंड ESE कैटेगरी में। अंडरस्टैंड? तो गाइज, ये मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल है, जिसमें ऑलरेडी मुझे 427 प्लस लोग फॉलो कर चुके हैं, ठीक है, दे आर एंजॉयिंग माय फ्री स्पेशल क्लासेस। सो इफ यू वांट टू एंजॉय माय फ्री स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप गाइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक गिवन है, उस लिंक के थ्रू आप मुझे फॉलो कर सकते हो, या ऑलरेडी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हो तो वहां पर गेट और ESE कैटेगरी में जाकर मेरा नाम टाइप करिए, पंकज मिश्रा, वहां पर मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, उसको आप फॉलो कर लीजिए। तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि मैं जितनी भी स्पेशल क्लासेस लूंगा उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा गाइस। गाइस यहाँ पर आप 6 month, 12 month, 18 month और 24 month का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जैसे आप मेरा कोड PLIFE यूज करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी सब्सक्रिप्शन फी पर, एंड आफ्टर डिस्काउंट योर 12 month फी विल बिकम 27,225, 18 month फी विल बिकम व्हाट, 34,650 after discount when you will use my code PLIFE, and 24 month अगर आप second year या third year में guys, go for the 24 month subscription after 10% discount your fee will become what, 39,600 when you will use my code PLIFE. iconic subscription को guys आप लोग यहाँ पर join कर सकते हो, 12 month का और 24 month का यहाँ पर fee आपको given है। तो जैसे ही आप मेरा code use करोगे PLIFE, क्या use करोगे guys, PLIFE, आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितने परसेंट का? 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। सो आफ्टर 10% डिस्काउंट आपकी जो फी होगी वो कितनी हो जाएगी, 45,225, और 24 मंथ की जो फी होगी आफ्टर डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट आफ्टर यूज माय दिस कोड PLIFE, 66,600। सो गाइस, ये हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है t.me/unacademygatecs, इसको सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारी PDFs क्लासेस की और क्लासेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको गाइस। ये हम लोगों का अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस प्लेटफॉर्म है,
YouTube चैनल है, अगर अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी कंप्यूटर साइंस की टीम दिन भर आपको आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव सेशंस लेकर आती रहती है गाइस। सो गाइस, आर यू रेडी टू सॉल्व द प्रैक्टिस क्वेश्चंस गाइस? सो दिस इज माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। आई एम गिविंग यू सम टाइम, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट एंड ट्राई टू गिव मी द राइट आंसर गाइस। I am giving you one and a half minute guys, means I am going to give you 90 seconds, so try to give me the answer. I am going to read the question for you guys. A computer on the 6 Mbps network is regulated by a token bucket. We are using what token bucket congestion algorithm, congestion control algorithm. The token buckets filled at a rate of 1 Mbps. जो यहाँ पर आपको टोकन रेट गिवन है गाइस, क्या गिवन है आपको? टोकन रेट जो आपको यहाँ पर गिवन है वो कितना है आपका? 1 Mbps, मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो टोकन रेट को जनरली हम लोग रो से डिनोट करते हैं टोकन बकेट कंडीशन एल्गोरिथम में गाइस। इट इज इनिशियली फिल्ड टू कैपेसिटी विद 8 MB। ओके, इनिशियल कैपेसिटी ऑफ द टोकन बकेट इज व्हाट गाइस? सी, इसको हम लोग इनिशियल कैपेसिटी को हम लोग गाइस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी इक्वल टू नथिंग बट व्हाट? 8 मेगाबिट। हाउ लॉन्ग कैन द कंप्यूटर ट्रांसमिट एट द फुल रेट ऑफ 6 Mbps? 6 Mbps मींस दिस इज द आउटपुट रेट, दिस इज द आउटपुट रेट इज गिवन m। आउटपुट रेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं जनरली टोकन बकेट कंजेशन कंट्रोल के फॉर्मूला में? एम से। दिस इज व्हाट? आउटपुट रेट। सो आउटपुट रेट इक्वल टू व्हाट गाइस? 1 Mbps, 1 Mbps, मेगाबिट्स पर सेकेंड। सो व्हाट इट इज आस्किंग यू? हाउ लॉन्ग कैन द कंप्यूटर ट्रांसमिट एट द फुल रेट मींस इट इज आस्किंग यू टाइम, इट इज आस्किंग यू वर्स्टी टाइम मींस हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रांसमिट द होल 8 MB टोकन बकेट। ओके, सो वर्स्टी टाइम इट इज गोइंग टू आस्क व्हाट? वर्स्टी टाइम, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमें कैलकुलेट करना है एस कितना टाइम लेगा गाइस। सो टोकन बकेट ट्रैफिक कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम में गाइस, यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है आप भी रिमेंबर रखिएगा, सी प्लस रो एस इक्वल टू एम एस। सी प्लस रो एस इक्वल टू गाइस एम एस। सी आपका यहां पर क्या है? इनिशियल कैपेसिटी है, अंडरस्टैंड? रो मेरा यहां पर क्या है? टोकन रेट है। एस हम लोगों को कैलकुलेट करना है। एम मेरा यहां पर आउटपुट रेट है जो आपको गिवन है, ठीक है? आउटपुट रेट मेरा कितना है? 6 Mbps। हाउ मच? 6 Mbps है मेरा आउटपुट रेट। सो वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट? एस इक्वल टू व्हाट? सो पुट ऑल दी वैल्यूज हियर, सारी वैल्यूज को आप यहां पुट करिए। इनिशियल कैपेसिटी आपकी कितनी है दोस्तों? इनिशियल कैपेसिटी आपकी कितनी है? 8 MB, 8 मेगाबिट, प्लस रो टोकन रेट मेरा कितना है? 1 Mbps, 1 Mbps मेगाबिट्स पर सेकेंड इनटू एस इक्वल टू आउटपुट रेट मेरा कितना है दोस्तों? रिप्लाई मी फास्ट, आउटपुट रेट मेरा कितना है? 6 Mbps, अंडरस्टैंड? सो 6 Mbps मेगाबिट्स पर सेकेंड इनटू एस। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे यहां पर? हम लोग क्या कर लेंगे? इस वाले को हम लोग इधर सब भेज देंगे, तो मेरा कितना बचेगा यहां पर? 5 मेगाबिट्स पर सेकेंड इनटू एस। ओके भाइयों, इतना ही बचेगा ना? इतना ही बचेगा। इक्वल टू व्हाट? 8 MB मेगाबिट्स। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? क्लियर नाउ? क्लियर एवरीवन गाइस? रिप्लाई मी फास्ट, क्लियर एवरीवन गाइस? यस, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। So we need to calculate S from here. So guys, S equal to what? S equal to what? 8 megabit upon what? 5 megabits per second. Megabits per second. So megabit cancel out megabit. So what will come guys? S equal to what? 8 upon 5 second. 8 upon 5 second. So guys, 5 1 जा 5 एंड डेसिमल लगाओगे तो यहाँ रिमेनिंग कितना बचेगा? 3। सो 5 6 जा हाउ मच? 5 6 जा 30।
सो एस इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 1.6 सेकंड. अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, क्लियर नाउ? क्लियर ईच एंड एवरीवन गाइस? क्लियर? आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा. अंडरस्टैंड गाइस? क्लियर? तो आई होप कि ऐसा क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम अगर मिलेगा तो आप अच्छे से कर ले जाओगे. बस आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक फॉर्मूला रिमेम्बर रखना है, टोकन बकेट कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम का है, ट्रैफिक कंट्रोल एल्गोरिथम का. वो फॉर्मूला होता है आपका सी प्लस रो एस इक्वल टू एम एस. अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? यहाँ से जनरली गेट में क्वेश्चन आते हैं और 2018 में भी यहाँ से क्वेश्चन था गाइस. तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं आपके गेट 2021 के लिए. तो फटाफट सारे लोग लाइव आ जाइए, सेशन को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे दूसरे लोग भी बेनिफिटेड हो सके गाइस. ओके मेरे भाइयों? ओके क्लियर? तो चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूं. अगला क्वेश्चन गाइस मेरा ये है, ये भी आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए और एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर गाइस. ट्राई टू गिव मी द आंसर. अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? क्लियर नाउ? सो मैं क्वेश्चन एक बार आपके लिए यहां पर पढ़ देता हूं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ए डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल यूजेस स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल. मीन्स वी आर यूजिंग व्हाट? स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल मेथड एट डेटा लिंक लेयर विद ए 7-bit sequence number and go back and error control. And in sliding window flow control, we are using what? Go back and error control algorithm or method. Simple. What is the number of frames that a sender can transmit without the need for an ACK from the receiver? Means how many frame or packet sender can transmit, okay, at a time to the receiver, at a time to the receiver, without the need for an ACK, without the need of ACK. Understand guys? I hope clear ho gaya hoga aapko question. Bahut hi pyara question hai. Main aapko yahan par fir se 1 minute ka time de raha hu, only 60 second ka time de raha hu guys. Try to reply me first guys and believe me, main aapke sare concept clear kar dunga yahan par. जो भी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे, चाहे वो आपका गो बैक एन होगा या सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू होगा, मैं दोनों का आपको यहाँ पर बता दूंगा. सेंट्रल विंडो साइज कितना होता है दोनों में ही, गो बैक एन में और सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू में, और रिसीवर विंडो साइज कितना होता है और दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं गाइज. सो ट्राई टू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों. आई होप कि आप सभी लोग एंजॉय करेंगे. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों. आई होप मुझे आप एंजॉय करेंगे. तो चलो गाइस मैं इसको सॉल्व करा देता हूं. मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं. पहले तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल मेथड में हम लोग दो मेथड यूज करते हैं, गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट. कौन कौन से दो मेथड यूज करते हैं? स्लाइडिंग विंडो. तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं क्वेश्चन के साथ साथ. स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल में आपके दो मेथड होते हैं गाइस. कौन कौन से होते हैं? आई होप सबको पता होगा. एक तो मेरा होता है GBN, और एक मेरा होता है गाइस यहां पर सिलेक्टिव रिपीट ARQ, SR, सिलेक्टिव रिपीट ARQ. अंडरस्टैंड भाइयों? अंडरस्टैंड? सभी को समझ में आ रहा है? सो गो बैक एन में गाइस जो मेरा यहाँ पर एन होता है ना, ये जो गो बैक एन में जो मेरा एन होता है, इट विल गिव यू व्हाट? इट विल गिव यू विंडो साइज. ये हम लोगों को क्या देता है? विंडो साइज देता है किसका? सेंडर का. इट विल गिव यू व्हाट? विंडो साइज ऑफ सेंडर, ऑफ सेंडर. अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड गाइस? क्लियर? और स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल जो मेथड्स होते हैं उसमें आपका जो विंडो साइज होता है सेंडर का, वो ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है. ऑलवेज ग्रेटर देन वन, बिकॉज इन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो आपका सेंडर का विंडो साइज होता है वो एन इक्वल टू होता है वन. सो इट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में जो आपका विंडो साइज होता है सेंडर का, ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है. हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू वन नहीं करेंगे. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वन कर देंगे एन को, तो जब ये एन इक्वल टू वन होगा तो इट सिंपली वर्क्स एज ए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल गाइस. आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा. तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ गो बैक एन की. क्वेश्चन में गिवन है गो बैक एन का, गो बैक एन का. सो गाइस गो बैक एन में, गो बैक एन में जो आपका सेंडर होता है या ट्रांसमीटर होता है, यहाँ पर सेंडर होता है
और यहां पर इसको ट्रांसमीटर भी कहते हो आप, और ये रिसीवर होता है। सो गो बैक एंड में जो आपका सेंट्रल विंडो साइज होता है वो कितना होता है, SWS इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, वेयर जहां पर n इक्वल टू आपका क्या है दोस्तों, n इक्वल टू है मेरा सीक्वेंस नंबर। और सीक्वेंस नंबर क्या होता है जो आपका सेंडर विंडो में पैकेट भेजता है या फ्रेम भेजता है, उन पैकेट्स का फ्रेम को जो सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करता है वो आपका होता है सीक्वेंस नंबर। अंडरस्टैंड? तो सपोज मैं यहां पर अगर बात करूं GBN की, GB3 की बात करें अगर हम लोग, GB3, तो GB3 का मतलब क्या हो गया कि जो सेंडर का विंडो साइज है वो कितना है, सेंडर का विंडो साइज SWS मेरा कितना है गाइस, 3 है। कितना है, 3 है। सो गाइस समझ में आ गया होगा। और रिसीवर का विंडो साइज कितना होता है आपका गो बैक एंड में, वो होता है मेरा 1। वो मेरा कितना होता है, 1, जस्ट लाइक एट द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। गो बैक एंड में भी आपका रिसीवर साइज होता है 1। ओके सो गाइस यहां पर मुझे सीक्वेंस नंबर कितना गिवन है, गो बैक एंड में सीक्वेंस नंबर कितना गिवन है, 7 बिट। कितना गिवन है, 7 बिट। तो मेरा यहां पर क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ओके सेंडर विंडो साइज कितना आ जाएगा मेरा, 2 की पावर 7 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 128 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 127। आई होप आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, क्लियर नाउ, क्रिस्टल क्लियर गाइस ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू GBN। ओके So I am going to tell here in short about the selective repeat ARQ. In short, I am going to tell you about the selective repeat ARQ. So suppose here we have sender and here we have receiver. Receiver, okay. So जो आपका selective repeat ARQ होता है उसमें आपका sender का window size equal to होता है receiver के window size के. Sender का window size equal to receiver window size. तो यहाँ पर जो आपका सेंडर का विंडो साइज होता है गो बैक, आप मैं सिलेक्टिव रिपीट यार की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो कितना होता है, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। और जो रिसीवर विंडो साइज होता है मेरा वो भी कितना होता है, 2 की पावर n माइनस 1। ओके सो यहाँ पर n, यहाँ पर भी आपका वही है सिक्वेंस नंबर, n आपका यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, सिक्वेंस नंबर ही है। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने डिस्कस किया सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू के बारे में। तो सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू में जो रिसीवर होता है उसकी विंडो साइज इक्वल होती है सेंडर के विंडो साइज के। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरा, 128। हाउ मच, 128। आई होप आप सभी को बढ़िया से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ओके अब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे गेट 2021 में या और भी जो पैरेलल एग्जाम्स हैं इंजीनियरिंग के कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, आप कभी भी गलत नहीं करोगे दोस्तों। अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर क्लियर नाउ इच एंड एवरीवन गाइस। सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट मुझे रिप्लाई करेंगे सारे लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, गेट के एग्जाम में। सो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है कंप्यूटर नेटवर्क या किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन की, जिससे आप लोग क्वेश्चन गेट 2021 में गलत करके नहीं आएंगे। अंडरस्टैंड गाइस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। सो दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ सबनेट 32, ओके गिवन ए नेटवर्क एड्रेस ऑफ दिस इज व्हाट नेटवर्क आईपी एड्रेस, जो नेटवर्क को आईपी एड्रेस असाइन किया गया है वो मेरा ये है 12.1.0.0। The total number subnet in this network is 62. और total number of subnets जो इस network में है वो कितने हैं guys? 62 हैं। कितने हैं? 62. So I hope कि आप इस question को कर लेंगे। It is asking you what 32th subnet broadcast address. 32th subnet broadcast address guys. So पहले हमें क्या calculate करना होगा यहाँ से 32 क्या करना होगा, सबनेट एड्रेस कैलकुलेट करना होगा, फिर उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस में आपको पता ही है कि जितनी भी हॉस्ट बिट्स होती हैं किसी भी आईपी एड्रेस में उनको उठाकर हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 1, जितनी भी हॉस्ट बिट होती हैं, तब हमारा क्या मिल जाता है, हम लोगों को ब्रॉडकास्ट एड्रेस मिल जाता है, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अंडरस्टैंड एवरीवन, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो गाइज ये मेरा आईपी एड्रेस है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए
कि ये आईपी एड्रेस मेरा किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। रिप्लाई मी फास्ट। तो ये आईपी एड्रेस मेरा किस क्लास से बिलोंग कर रहा है दोस्तों? हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई भी आईपी एड्रेस क्लास ए से बिलोंग कर रहा है, बी से, सी से, डी से, ई से बिलोंग कर रहा है? तो बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आईपी एड्रेस का पहले ऑक्टेट की वैल्यू देखते हैं। किसी भी आईपी एड्रेस के पहले ऑक्टेट की वैल्यू देखते हैं गाइस। सो क्लास ए की रेंज क्या होती है, मतलब अगर पहले ऑक्टेट की वैल्यू किसी भी आईपी एड्रेस की अगर मेरे इस रेंज से बिलोंग कर रही होगी 1 to 126, तो वो मेरा क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा। अगर किसी भी आईपी एड्रेस के पहले ऑक्टेट की वैल्यू 128 से लेकर 191 के बीच बिलोंग कर रही होगी, तो गिवन आईपी एड्रेस क्लास बी का होगा। अगर किसी भी आईपी एड्रेस के पहले ऑक्टेट की वैल्यू 192 से लेकर 223 के बीच बिलोंग कर रही होगी, तो वो क्लास सी से होगा गाइस आईपी एड्रेस। क्लास डी से होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर किसी भी आईपी एड्रेस के पहले ऑक्टेट की वैल्यू 224 से लेकर 239 के बीच इस रेंज से बिलोंग कर रही है, तो क्लास डी का होगा। और क्लास ई के होने के लिए गाइस, ठीक है, अगर किसी भी आईपी एड्रेस के पहले ऑक्टेट की वैल्यू 240 से लेकर 255 के रेंज में बिलोंग कर रही है, तो वो क्लास ई का होगा। अंडरस्टैंड गाइस? तो हर क्लास का अपना अपना नेट आईडी और होस्ट आईडी होता है। अगर क्लास ए की बात करें तो नेट आईडी कितना होगा क्लास ए में, 7 bits, और होस्ट आईडी कितना होगा, 24 bits। कितना होगा, 24 bits। अगर क्लास बी की बात करें तो नेट आईडी कितना होगा गाइस? मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं यहाँ पर, ग्रैप्स ऑल दी इन्फॉर्मेशन। ओके, दिस इज यू कैन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन गाइस। तो क्वेश्चंस के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको। नेट आईडी कितनी होती है क्लास बी में, 14 bits। यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और होस्ट आईडी फ्रिक्वेंटली आपको रिमेम्बर रहना चाहिए। होस्ट आईडी कितनी होती है क्लास बी में, 16 bits। क्लास सी की बात करें गाइस, तो नेट आईडी कितनी होती है क्लास सी में, 21 bits। और होस्ट आईडी मेरी कितनी होती है क्लास सी में गाइस, ओनली 8 bits। और अगर हम लोग डी और ई की बात करें, सो इन डी और ई वी डू नॉट हैव एनी नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। ओके, नो नेट आईडी एंड होस्ट आईडी, नो नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। क्लियर दोस्तों, क्लियर? तो क्लास डी हम लोग यूज करते हैं मल्टीकास्टिंग के लिए, जिसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं एक्स्ट्रा भी, सब स्टोर कर लीजिए अपने माइंड में। और क्लास ई को हम लोग फ्यूचर के लिए रिजर्व कर रखा है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रेफरेंस, और यू कैन से दैट व्हाट, रिसर्च वर्क्स। क्लियर एवरीवन गाइस, क्लियर? अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस। इतनी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, जो मेरा पहला वाला ऑक्टेट की वैल्यू है इस वाले आईपी एड्रेस की, वो किस रेंज से बिलोंग कर रही है, 1 to 120 से बिलोंग कर रही है, मतलब ये आपका क्लास ए का आईपी एड्रेस है। तो क्लास ए के आईपी एड्रेस में जो मेरे होस्ट आईडी होती है वो कितनी होती है गाइस, 24 bits होती है। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि जो सबनेट बिट्स होती है वो हम लोग कहाँ से बोरो करते हैं, नेट आईडी से या होस्ट आईडी से? तो सबनेट बिट्स को हम लोग बोरो करते हैं होस्ट आईडी से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स आपको यहाँ पर गिवन है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स आपको यहाँ पर गिवन है कितने, 62। कितने गिवन है, 62। ओके, तो सबनेट बिट्स मेरी कितनी आ जाएंगी, एन इक्वल टू हाउ मच, 6। सबनेट बिट्स मेरी कितनी आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, 6। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 24 bits में से हम लोगों ने सबनेटिंग के लिए 6 bits को बोरो कर लिया। सबनेटिंग के लिए हम लोगों ने कितने बिट्स को बोरो कर लिया, 6 bits को बोरो कर लिया। तो रिमेनिंग होस्ट बिट्स मेरी कितनी बचेंगी, रिमेनिंग 24 में से 6 बिट्स को हम लोगों ने सबनेटिंग के लिए बोरो कर लिया, तो कितनी बचेंगी, 18 बिट्स बचेंगी। रिमेनिंग होस्ट बिट्स मेरी कितनी बचेंगी, 18। सो गाइस, हमें निकालना है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो अब हम लोगों को होस्ट बिट्स कहां से मिलेंगी, लास्ट के 3 ऑक्टेट से, इस गिवन आईपी एड्रेस के लास्ट के 3 ऑक्टेट से हमें होस्ट बिट मिलेंगी, क्योंकि आपके जो होस्ट आईडी के लिए 3 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं आईपी एड्रेस में गाइस। तो लास्ट के 3 को आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करो, 12th से कोई मतलब है नहीं, 12th तो मेरा नेटवर्क एड्रेस है, नेट आईडी है। सो 1 का मेरा क्या हो जाएगा, 1 का मेरा क्या हो जाएगा, 0 0 0, ओके, एंड व्हाट, 0 4 5 6 7 1। अंडरस्टैंड गाइस, आई होप क्लियर हो रहा होगा सभी को, ठीक है। एंड डॉट, एंड डॉट व्हाट, अंडरस्टैंड,
dot 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, तो कितना बिट मेरा यहाँ पर है, हॉस्ट बिट मेरा कितना है 18, हॉस्ट बिट मेरा कितना है 18, कितना है गाइस 18 है, तो 8 और 8 16, तो हॉस्ट बिट मेरा ये सब है, हॉस्ट बिट मेरा दोस्तों यहाँ पर कितना है ये वाला है ठीक है, और सबनेट बिट्स मेरा कितना है, सबनेट बिट्स है मेरा 6 ठीक है, सबनेट बिट्स है मेरा 6 और हॉस्ट बिट्स मेरा कितना है दोस्तों, हॉस्ट बिट्स मेरा कितना है 18 बिट्स। सो आपको क्या निकालना है, 32 सबनेट निकालना है। सो गाइस 6 बिट्स से जो पॉसिबल सबनेट आपके बनेंगे कौन कौन से, 6 टाइम 0 0 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। अगर मुझे 32 सबनेट निकालना है तो 6 बिट्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 2 4 8 16 32, क्या पुट करेंगे 1 एंड 5 टाइम्स 0 5 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। सो पॉसिबल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होंगे, 6 टाइम 111, बट हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं और इसको यूज नहीं करते हैं ठीक है, बीच के सारे सबनेट्स को हम लोग यूज करते हैं। तो 32 के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, 6 बिट्स की जगह 1 5 टाइम्स 0, अंडरस्टैंड, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो पहले मैं 32 सबनेट एड्रेस निकाल रहा हूं, 32 सबनेट एड्रेस SA इक्वल टू 12 डॉट ओके 12.1 1 2 3 4 5 ओके, उसके बाद 01 क्लियर 01 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरा 32 का सबनेट एड्रेस कितना आ गया दोस्तों, सबनेट एड्रेस मेरा कितना आ गया, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपके लिए कर दूं, तो ये तो 32 का सबनेट एड्रेस है। अगर मुझे ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है, तो जितनी भी मेरी हॉस्ट बिट्स हैं यहां से लेके यहां तक, उनको हम लोग क्या पुट कर देंगे 1। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ 32 सबनेट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, अंडरस्टैंड गाइस, आई होप आप सभी को क्लियर भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सब कुछ 1 पुट करने जा रहा हूँ, 1 1 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 5 6 7 8। So guys, 32 subnet directed broadcast address मेरा क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ये तो मेरा डेसिमल में है तो 12 dot, ये इसका डेसिमल क्या होगा 128 और 3 कितना हो जाएगा 131, और जब किसी भी ऑक्टेट की सारी बिट्स अगर आपकी 1 हो तो डेसिमल वैल्यू कितनी आ जाएगी 255.255। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मेरा यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों, विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर गाइस, ऑप्शन डी करेक्ट है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टैंड गाइस एवरीवन। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन गाइस, एंड दिस इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कैन कंसीडर दिस सीरीज कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज गाइस। सो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ, अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर, तो मजा आ रहा है सभी को दोस्तों, आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन पर मूव करने जा रहा हूं दोस्तों ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा ये है, ये भी मेरा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगेगा और हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर जो मुझे राउटिंग टेबल गिवन है गाइस, ठीक है, वो सीआईडीआर नोटेशन की राउटिंग टेबल गिवन है, कौन से नोटेशन की, सीआईडीआर नोटेशन की राउटिंग टेबल गिवन है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ओके, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग की राउटिंग टेबल मुझे सीआईडीआर नोटेशन की राउटिंग टेबल हम लोगों को गिवन है। और इस राउटिंग टेबल में राउटर के पास जो पैकेट आ रहा है उसका आईपी एड्रेस कितना है 128.195.3.10, व्हाट इट इज आस्किंग यू, व्हिच विल बी द आउटगोइंग इंटरफेस ऑफ द पैकेट, मतलब राउटर पैकेट को आगे फॉरवर्ड करने के लिए किस आउटगोइंग इंटरफेस का यूज करेगा टेबल में से गाइस, सिंपली आपसे ये पूछ रहा है गाइस। So, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जो भी आपका इनकमिंग आईपी एड्रेस है जो राउटर के पास आ रहा है पैकेट के साथ, उसको आपको उठाना है
और उसका क्या करना है, उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। किसमें रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी में। सो गाइस, जब भी हम इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, सो जिस वाले प्रीफिक्स की जो आपके टेबल में गिवन है, सबसे ज्यादा बाइनरी बिट्स मैच करेंगी मेरे इस वाले इनकमिंग आईपी एड्रेस के बाइनरी बिट्स से, उस वाले इंटरफेस को हम लोग उसके रेस्पेक्टिव में जो इंटरफेस गिवन होगा उसको हम लोग चूज कर लेंगे उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए। सो गाइस, आई होप इतना आप लोग शॉर्ट ट्रिक में अगर इसको करना चाहे तो इतना आप लोग कुछ समझदार हैं। तो देखो यहाँ पर मेरा पहला ऑक्टेट कितना है 28, और यहाँ पर मेरा पहला ऑक्टेट कितना है 128। सो यहाँ पर तो आपकी एक भी बिट नहीं मैच करेगी, हम लोग आगे से मैच करते हैं, ठीक है। 128 पहला ऑक्टेट है, पहला ऑक्टेट मेरा कितना है 28, तो मेरी बिट्स मैच ही नहीं करेंगी। तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। क्लियर एवरीवन, आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला ऑक्टेट 128 है, यहाँ पर ओनली 28 है, एक भी बिट्स मैच नहीं करेगी। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे, तो इसको चेक, इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है, समझने की जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, क्लियर। अगर मैं सेकंड वाले प्रीफिक्स की बात करूं तो देखो पहला ऑक्टेट मेरा यहाँ पर 128 है, और इसमें भी पहला ऑक्टेट आपका 128 है, मतलब जो बाइनरी बिट्स 128 की यहाँ पर होंगी वही बाइनरी बिट 128 की यहाँ पर भी प्रीफिक्स में भी होंगी, तो 8 बिट्स तो मैच करेंगी करेंगी दोनों की करेंगी, वेरी गुड। सेकेंड ऑक्टेट भी मेरा क्या गाइस है 195 है, कितना है 195, और यहाँ पर भी आपका सेकेंड ऑक्टेट कितना है 195 है, तो जो बाइनरी वैल्यू यहाँ पर 195 की होगी वही तो बाइनरी वैल्यू यहाँ पर भी 195 की होगी गाइस, क्लियर। तो मैक्स आपकी जो मिनिमम है वो 16 बिट्स तो मैच करेंगी करेंगी इन दोनों ऑक्टेट को मिलाकर, ठीक है 16 बिट्स। अब इन लास्ट की दो बिट्स को रिप्रेजेंट कर लो, लास्ट की दो बिट्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो इस वाले ऑक्टेट का बाइनरी क्या आएगा गाइस, 0000, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस वाले 3 का रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा बाइनरी का गाइस, इस वाले 3 का सिंपल है 0000 4 5 6 1 1.10 का क्या आएगा 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लास्ट के टू ऑक्टेट्स को मैच करो तो लास्ट के ऑक्टेट की थर्ड ऑक्टेट की कितनी बिट्स मैच करेंगी, 6 बिट्स मैच करेंगी यहाँ से, क्योंकि 6 बिट्स के बाद फिर यहाँ पर है 11, यहाँ पर है 11 और यहाँ पर है 00, तो यहाँ इतनी बिट्स मैच करेंगी। तो दो ऑक्टेट तो आपके ये मैच कर रहे थे, तो 16 + 6 टोटल इसमें कितनी बिट्स मैच करेंगी, इस वाले में टोटल कितनी बिट्स मैच करेंगी इसकी बाइनरी बिट्स से 22 बिट्स, कितने बिट्स मैच करेंगी गाइस 22 बिट्स। सेकंड वाले को उठाओ, सेकंड वाले प्रीफिक्स को उठाओ, सेम कंडीशन है, इस जैसा सेम कंडीशन है, बस यहाँ पर आपको स्लैश करके 1 गिवन है, यहाँ पर स्लैश करके 24 गिवन है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस वाले प्रीफिक्स में भी कितने बिट्स मैच करेंगी, कितनी बाइनरी बिट्स मैच करेंगी इस वाले इनकमिंग आईपी एड्रेस के बाइनरी बिट्स से 22, कितना मैच करेंगी 22 बिट्स ही मैच करेंगी, क्लियर। अब यहाँ पर आपका जो राउटर है इस वाले आईपी एड्रेस के पैकेट को वो इंटरफेस 0 से भी फॉरवर्ड कर सकता है और इंटरफेस 1 से भी फॉरवर्ड कर सकता है, क्योंकि दोनों में सेम बिट्स मैच कर रही है, मैक्सिमम बिट्स सेम मैच कर रही है। कैन फॉरवर्ड ETH 0, कैन फॉरवर्ड ETH 1, बट इन दोनों में से किसको चूज करेगा, जिसके सबनेट मास्क की लेंथ ज्यादा होगी, और यू कैन से दैट जिस प्रीफिक्स में आपकी नेट आईडी बिगर होगी, जिस प्रीफिक्स में आपकी नेट आईडी ज्यादा होगी उसको चूज कर लेगा। तो किस प्रीफिक्स में, इन दोनों में से किस वाले प्रीफिक्स में नेट आईडी की बिट्स ज्यादा है, तो गाइस इसी में तो ज्यादा है, इसमें आपकी नेट आईडी कितनी है, इसमें आपकी नेट आईडी कितनी है 24 बिट्स है, और इसमें नेट आईडी ओनली कितनी है दोस्तों, इसमें नेट आईडी ओनली कितनी है 1 बिट है। तो किस वाले में नेट आईडी बिगर है, किस वाले में नेट आईडी ज्यादा है, तो जिसकी नेट आईडी ज्यादा होगी उसका सबनेट मास्क बड़ा होगा, तो जिसकी नेट आईडी ज्यादा होगी, जिसका सबनेट मास्क में ज्यादा वन होंगे, उस वाले इंटरफेस को चूज करेगा राउटर पैकेट को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है मेरे पास। तो किसको चूज करेगा गाइस, ईथरनेट 1 को चूज करेगा राउटर, कौन से इंटरफेस को यूज करेगा, ईथरनेट 1 को, अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें आपकी नेट आईडी की ज्यादा बिट्स हैं। सो विथ आंसर इज करेक्ट है ईथरनेट 1, कर दोनों से सकता है,
इथरनेट 0 से भी फॉरवर्ड कर सकता है, इथरनेट 1 से भी फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन जब वो इस सिचुएशन में आ जाता है तब वो डिसाइड करता है कि जिसके नेटवर्क आईडी की बिट्स ज्यादा होंगी उसको लेके आगे फॉरवर्ड करेगा। अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर ईच एंड एवरीवन गाइस? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर नाउ? क्लियर ईच एंड एवरीवन गाइस? आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें गाइस। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्रिस्टल क्लियर। और मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, दिस इज अ सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, सो आई एम गिविंग यू हियर कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चंस, और डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ हर टॉपिक को। सो दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चंस गाइस, ओके, अंडरस्टैंड? सो व्हेन यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस देन डेफिनेटली योर 2 or 3 मार्क्स ओके विल इंश्योर हो जाएंगे आपके, विल बी इंश्योर गाइस। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। So guys, this is my next question. This is my next question. Okay. I hope आप session को भी enjoy कर रहे होंगे. Understand everyone guys? Clear? Okay. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया guys. So guys, this is my next question. Suppose a router receives a 1500 byte. Router क्या receive कर रहा है? 1500 byte receive कर रहा है. IPv4. 1500 bytes का packet receive कर रहा है. With a 20 byte IP header, with a 20 byte what? IP header, IP IDX more fragment, there is a flag, MF flag. So MF flag का जो status है वो यहाँ पर क्या है? 1 है. And do not fragment, this is what? DF flag. So DF flag का जो यहाँ पर bit status है वो आपका है 0. It needs to forward it out a link with a 1000 byte MTU, with a 1000 byte MTU, maximum transmission unit. What is the meaning of MTU here? Maximum transmission unit means what? Maximum transmit unit. इसका मतलब है कि router आपका maximum 1000 byte data ही pass कर सकता है, 1000 byte के packet को ही pass कर सकता है। अगर उससे ज्यादा आपके पैकेट का साइज है तो उसको क्या करेगा? फ्रैगमेंट करेगा, डिवाइड करेगा, ओके, अंडरस्टैंड? 1000 बाइट के पैकेट्स में और फ्रैगमेंट्स में, अंडरस्टैंड? व्हाट शुड द आईपी आईडी लेंथ एंड फ्लैग्स एमएफ एंड डीएफ का स्टेटस क्या होगा? फील्ड्स ऑफ द हेडर ऑफ द सेकेंड फ्रेगमेंट कंटेन ऑफ द सेकेंड फ्रेगमेंट कंटेन गाइस, क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो मुझे पता है कि आप लोग सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो गाइस, जो मेरा यहाँ पर 1000 है ना, जो मेरा यहाँ पर 1000 बाइट है MTU, 1000 बाइट MTU है, इट ऑल्सो इंक्लूडेड इंक्लूड्स व्हाट? इंक्लूड्स 20 बाइट आईपी हेडर। इसमें 20 बाइट आपका आईपी हेडर भी इंक्लूड है, मतलब जो आपके पहले वाले फ्रेगमेंट में जो आपका डेटा जाएगा वो कितना जाएगा? 980 बाइट्स। कितना जाएगा दोस्तों? 980 बाइट्स। आई होप क्लियर हो रहा होगा सभी को, आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीवन गाइस? अंडरस्टैंड? सो अगर आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, 1.5 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, हम दोनों लोग सॉल्व करेंगे, मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व करिए गाइस। तो जब दोनों लोग मिलकर सॉल्व करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी और ज्यादा अच्छी होगी। आपकी प्रैक्टिस जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस की, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस की गाइस, उसमें आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी और अच्छी होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे कंप्यूटर नेटवर्क में गाइस। सो मैं आपको 1.5 मिनट दे रहा हूँ यहाँ पर, फटाफट सारे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे मुझे। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? क्लियर? बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ दोस्तों, आई होप आप मुझे रिप्लाई करने के लिए तैयार होंगे सभी लोग। सभी लोग यहां पर मुझे रिप्लाई करेंगे फटाफट। सो गाइस, यहां पर जो मेरा एमएफ फ्लैग होता है, एमएफ फ्लैग मोर फ्रेगमेंट फ्लैग, तो एमएफ फ्लैग के बिट, एमएफ फ्लैग का अगर बिट स्टेटस मेरा 1 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमें और फ्रेगमेंट चाहिए। अगर एमएफ फ्लैग के बिट स्टेटस मेरा 1 है तो वो आपका जो फ्लैग फ्रेगमेंट होगा या तो वो फर्स्ट फ्रेगमेंट होगा या इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट होगा, अंडरस्टैंड? बट अगर एमएफ फ्लैग का बिट स्टेटस 0 है तो उसका मतलब क्या है कि वो मेरा लास्ट फ्रेगमेंट है,
उस पैकेट का लास्ट फ्रेगमेंट है. अंडरस्टैंड गाइस? क्लियर? सो आई होप समझ में आ गया होगा. और डीएफ डू नॉट फ्रेगमेंट. सो डू नॉट फ्रेगमेंट फ्लैग का बिट स्टेटस अगर मेरा जीरो है, बिट स्टेटस मेरा अगर जीरो है, तो आप लोग समझ जाओगे कि उस पैकेट को फ्रेगमेंट करना है. ओके, फ्रेगमेंटेड पैकेट है. बट अगर डीएफ फ्लैग का बिट स्टेटस वन है, तो आप लोग समझ जाओगे या राउटर समझ जाएगा कि आपका जो पैकेट है या फ्रेगमेंट है उसको एज इट इज पास कर दिया, पैकेट को एज इट इज पास कर दिया राउटर ने. क्योंकि पैकेट की जो वैल्यू है, जो साइज है, वो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट ऑफ द राउटर. अंडरस्टैंड गाइस? आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा बहुत ही अच्छे से. तो चलो इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं. सो मेरा यहाँ पर पैकेट साइज कितना है, पैकेट साइज मेरा यहाँ पर कितना है दोस्तों, 1500 बाइट्स. कितना है? 1500 बाइट. ठीक है, तो सबसे पहले पहले वाले फ्रेगमेंट में मेरा कितना डेटा जाएगा, फर्स्ट फ्रेगमेंट में? फर्स्ट फ्रेगमेंट में मेरा कितना डेटा जाएगा दोस्त, बताओ. तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो है आपकी राउटर की 1000 बाइट्स है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूडेड व्हाट, 20 बाइट आईपी हेडर. तो फर्स्ट फ्रेगमेंट में आपका 20 बाइट तो क्या जाएगा, आईपी हेडर जाएगा. और 980 मेरा फ्रेगमेंट डेटा जाएगा. बट जो फ्रेगमेंटेड डेटा होता है ऑलवेज मल्टीपल होता है 8 का. तो 980 ना जाकर कितना जाएगा, 976 बाइट जाएगा. कितना जाएगा, 976 बाइट. ठीक है, बट फ्रेगमेंटेड डेटा कितना है मेरा, फ्रेगमेंटेड डेटा कितना है, वो तो 980 ही है ना. फर्स्ट फ्रेगमेंटेड डेटा मेरा कितना है, 980. बट आउट ऑफ 980 हम लोग बेस कितना रहे, जो 8 का मल्टीपल है ओनली, जो आपका 8 का मल्टीपल है. तो 976 मेरा मल्टीपल है किसका गाइस, 8 का. किसका मल्टीपल है, 8 का. तो अगर हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स निकालने हैं, पहले ही टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स. अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स अगर हमें निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, टोटल पैकेट के साइज को डिवाइड करेंगे फ्रेगमेंटेड डेटा से, 980 से. और इसका हम लोग क्या ले लेंगे, सील वैल्यू ले लेंगे. इसकी हम लोग क्या ले लेंगे, सील वैल्यू. तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो सील वैल्यू आ जाएगी आपकी 2. मतलब 1500 बाइट के पैकेट के मिनिमम हम लोग कितने फ्रेगमेंट करेंगे, मैक्सिमम 2. कितने करेंगे, 2 फ्रेगमेंट करेंगे. तो पहला वाला फ्रेगमेंट हम लोग कर ही चुके हैं गाइस, जिसमें आपका क्या जा रहा है, 976 बाइट डेटा जा रहा है. तो 1500 में से जब हम लोग 976 को माइनस करेंगे, 1500 में से जब 976 को माइनस करेंगे, तो सेकंड फ्रेगमेंट में मेरा कितना डेटा जाएगा, सेकंड फ्रेगमेंट में मेरा गाइस डेटा कितना जाएगा, फटाफट बताओ मुझे कितना जाएगा. 20 बाइट तो ऐड हो जाएगा, और 524 बाइट मेरा क्या जाएगा, डेटा जाएगा. एंड 524 इज डिविजिबल बाय 8. अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? 524 इज डिविजिबल बाय 8. ओके, क्लियर? क्लियर नाउ? आई होप क्लियर हो रहा होगा आप सभी को. अंडरस्टैंड? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सो गाइस, ये मेरा पहला फ्रेगमेंट है, ये मेरा सेकंड फ्रेगमेंट है, और सेकंड फ्रेगमेंट ही मेरा लास्ट फ्रेगमेंट है. सेकंड फ्रेगमेंट ही गाइस मेरा क्या है, लास्ट फ्रेगमेंट है. अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? अंडरस्टैंड? क्लियर? तो ये मेरा लास्ट फ्रेगमेंट है. तो यहाँ पर एमएफ फ्लैग जो है मेरा, उसका बिट स्टेटस क्या होगा, पूछा है ना आपसे क्वेश्चन में, एमएफ फ्लैग का बिट स्टेटस क्या होगा. एमएफ फ्लैग का जो मेरा बिट स्टेटस होगा गाइस, वो होगा 0. मैंने बताया था आपको, अगर एमएफ फ्लैग का बिट स्टेटस 0 है, तो उसका मतलब क्या है कि वो लास्ट फ्रेगमेंट है उस पैकेट का. और अगर 1 है, तो उसका मतलब क्या है कि या तो वो फर्स्ट फ्रेगमेंट है या इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट है उस पैकेट का. तो गाइस, ये मेरा सेकंड वाले फ्रेगमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछी है आपसे. तो ये मेरा एमएफ मेरा आ गया 0, और यहाँ पर डीएफ मेरा कितना आ जाएगा, डीएफ मेरा आ जाएगा 1. डीएफ मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, 1. क्योंकि इस पैकेट को, इस फ्रेगमेंट को एज इट इज पास कर देगा आपका कौन, राउटर. अंडरस्टैंड? क्लियर गाइस? क्लियर एवरीवन गाइस? क्लियर? सो वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सो गाइस, जो मेरा आईपी की आईडी होगी वो मेरी क्या होगी, एक्सी होगी. आईपी की आईडी जो मेरी होगी वो क्या होगी, एक्सी होगी. और फ्रेगमेंट की लेंथ कितनी होगी, 524 बाइट. एमएफ का बिट स्टेटस मेरा क्या होगा, 0. और डीएफ का क्या होगा, 1. एमएफ का 0 इसलिए होगा क्योंकि ये लास्ट फ्रेगमेंट है मेरा इस पैकेट का, 1500 बाइट के पैकेट का लास्ट फ्रेगमेंट है, इसके बाद कोई दूसरा फ्रेगमेंट नहीं है.
और df वन होगा क्योंकि इसको एडिटिव पास कर देगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर है दोस्तों, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है कि नहीं, बोलिए यस और नॉट गाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बट डेप्थ में जाकर मैं आपको समझा रहा हूँ। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे, आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे दोस्तों। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, क्लियर? सो ऑप्शन ए एक्स, यस आईपी आईडी मेरा एक्स है, जो लेंथ है फ्रेगमेंट की 524 बाइट है, यस। बट एमएफ जो मेरा है, एमएफ फ्लैग का जो बिट स्टेटस है वो वन नहीं, वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सेकंड फ्रेगमेंट इज द लास्ट फ्रेगमेंट ऑफ दिस पैकेट 1500 बाइट गाइस। क्लियर एवरीवन गाइस, क्लियर? और डीएफ जो मेरा है यहाँ पर, डीएफ मेरा होगा यहाँ पर, डीएफ मेरा यहाँ पर जीरो है बट यहाँ पर होगा वन। तो ऑप्शन ए तो मेरा वैसे ही रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया, 500 गिवन है यहाँ पर भी, 500 गिवन है फ्रेगमेंट की लेंथ, तो बी और सी तो आपके वैसे ही रॉन्ग हो गए दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, एंड दिस इज द रिवीजन, दिस इज द प्रैक्टिस सेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके गाइस, सो दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस व्हिच कैन कम इन गेट 2021 गाइस। तो आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा, एंजॉय करेंगे सभी लोग सेशन को, और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने सारे ग्रुप्स में। भाइयों जितना आप लोग लाइक करोगे उतना मजा आएगा, जितने मैक्सिमम स्टूडेंट इस सेशन से बेनिफिटेड हो पाएंगे उतना और मजा आएगा गाइस। सो जितना आप लोग, हाउ्स द जोश गाइस, हाई, हाउ्स द जोश, हाई होना चाहिए हमेशा से जोश गाइस आपका, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ओके अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर? क्लियर ईच एंड एवरीवन गाइस, नाउ क्लियर? ओके, सो गाइस दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बट जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे समझ कर, ठीक है, हैप्पी लर्निंग यहाँ पर हो रहा है हम लोगों का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग लर्न कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू। सो गाइस आई होप जब इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलो मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन को यहाँ पर रीड कर देता हूँ कि क्वेश्चन आपका है क्या एक्चुअली में, और क्या वो आपसे पूछना चाह रहा है गाइस। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट, 600 किलोमीटर। जो ए एंड बी जो मेरे होस्ट है या कंप्यूटर है वो कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 600 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। एंड द बैंडविड्थ इज 4 Mbps, 4 Mbps। ये मेरी बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ कितनी है गाइस, 4 Mbps। ओके, ए वॉन्ट्स टू सेंड ए 10 KB फाइल टू बी इन चंक्स ऑफ 1000 bytes। सो ए मेरा सेंडर है, ट्रांसमीटर है, वो कितने केबी की फाइल भेजना चाहता है, 10 KB की फाइल भेजना चाहता है, किसको, रिसीवर को, बट एक साथ में सारी फाइल को नहीं भेजेगा, वो 1000 bytes के चंक्स में डिवाइड करेगा या पैकेट में डिवाइड करेगा, उसके बाद भेजेगा। Assume that every time A sends a packet to B, it must wait until it receives an ACK byte, 80 byte ACK packet back from B, okay, before sending a new packet. तो जब भी आपका सेंडर कोई डेटा पैकेट भेज रहा है बी को, तो वो वेट करेगा 80 बाइट ACK के रिसीवर साइड से, ठीक है। जब तक वो रिसीव नहीं करेगा सेंडर, तब तक आपका नेक्स्ट पैकेट भेजेगा नहीं। दिस इज कॉल्ड स्टॉप एंड वेट, सिंपली स्टॉप एंड वेट है, स्टॉप एंड गो और स्टॉप एंड वेट। द पैकेट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम। तो स्पीड की लाइट क्या होती है वैक्यूम में गाइस, स्पीड की लाइट क्या होती है, स्पीड लाइट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है दोस्तों, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। सो वॉट इट इज आस्किंग यू, वैन डज ए फिनिश इन मिली सेकेंड, मतलब ए अपनी पूरी की पूरी 10 KB की फाइल कितने मिली सेकेंड में भेजेगा, काउंटेड एज द टाइम दैट द लास्ट बिट ऑफ द लास्ट ACK रीचेस ए। ओके, बहुत सिंपल है। सो 10 KB की फाइल को कितने सेकंड में, कितने मिली सेकंड में भेज के फिनिश कर देगा ए, जो आपका सेंडर और ट्रांसमीटर है गाइस। सो आपको बहुत ही सिंपल से यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि सेंडर के पास फाइल कितनी है, 10 KB की है, और 10 KB को एक साथ नहीं भेज रहा है, वो 1000 bytes के चंक्स में डिवाइड कर रहा है या पैकेट्स में डिवाइड कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स जो आपको सेंडर ए को भेजने पड़ेंगे रिसीवर बी को, कितने भेजने पड़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, और टोटल नंबर ऑफ कितने चंक्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सो 10 KB को अगर आप लोग डिवाइड करोगे कितना, 1000 bytes से,
1000 बाइट से तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। टोटल कितने पैकेट भेजने पड़ेंगे सेंडर और ट्रांसमीटर को, बी को, 10। अंडरस्टैंड? सो गाइस बहुत ही सिंपल है, पहले किसी एक पैकेट का हम लोग ट्रांसमिशन टाइम, ओके, प्रोपागेशन टाइम, और यहाँ पर आपका 80 बाइट का एसी के पैकेट भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एसी के का ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हमें टोटल पैकेट का, टोटल वन पैकेट का टोटल टाइम पता चल जाएगा गाइस। सो टोटल टाइम निकालो फॉर वन पैकेट, टोटल टाइम फॉर वन पैकेट कितना हो जाएगा दोस्तों, एक पैकेट का टोटल टाइम कितना हो जाएगा मेरा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रांसमिशन टाइम निकालेंगे जिसका पैकेट का, प्लस प्रोपागेशन टाइम निकालेंगे पैकेट का, प्लस ट्रांसमिशन टाइम निकालेंगे जिसका एसी के का, क्योंकि एसी के का यहाँ पर आपको साइज गिवन है, एसी के का ट्रांसमिशन टाइम निगलेजेबल नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन में आपको निगलेजेबल गिवन होता है, बट यहाँ पर आपका निगलेजेबल नहीं है। और जब आपका ट्रांसमिशन टाइम एसी के का निगलेजेबल नहीं होता है तो प्रोपागेशन आपका हो जाता है 2 into PT। तो टोटल टाइम वन पैकेट का निकलेगा, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ पैकेट प्लस 2 PT प्लस TT ऑफ एसी के। तो गाइस अंडरस्टैंड एवरीवन, गाइस क्लियर? आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा, आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही प्यार से आपको समझा रहा हूँ, तो आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो ट्रांसमिशन टाइम ऑफ पैकेट निकालोगे अगर, तो ट्रांसमिशन टाइम का गाइस फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल, फ्रेम साइज या पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ होता है। तो गाइस यहाँ पर मेरा पैकेट साइज कितना है, 1000 bytes है कि नहीं, कितना है, 1000 bytes है कि नहीं दोस्तों, 1000 bytes है, यस 1000 bytes है, ठीक है। सो पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ, तो पैकेट साइज मेरा कितना है, 1000 bytes, ओके, अपॉन बैंडविड्थ मेरी कितनी है, 4 megabits per second। यहाँ पर आपका मेगाबिट्स पर सेकंड में है और पैकेट का साइज आपका बाइट्स में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बाइट को बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इस बाइट को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, बिट्स में। तो मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 4 megabits per second, 4 into 10 to the power 6। अंडरस्टैंड गाइस एवरीवन, 4 2 8 कितना आ जाएगा मेरा, 2 milliseconds, कितना आ जाएगा, 2 milliseconds। तो ट्रांसमिशन टाइम ऑफ पैकेट मेरा कितना आ गया, 2 milliseconds। क्लियर गाइस, सभी को क्लियर हो रहा है आज तक, रिप्लाई मी फास्ट ईच एंड एवरीवन, रिप्लाई मी फास्ट गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो गाइस अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, प्रोपागेशन टाइम। सो प्रोपागेशन टाइम का फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपके दो होस्ट के बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर दोनों कनेक्टेड है और कितनी स्पीड से आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हमें किसमें गिवन है, 600 किलोमीटर में गिवन है, बट स्पीड लाइट की क्या है, 3 into 10 to the power 8 meter per second। तो पहले हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। गाइस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आपको क्या ध्यान देना है, यूनिट्स का बहुत ध्यान देना है, पैकेट आपका बिट्स में है कि बैंडविड्थ आपका बाइट्स पर सेकंड में है, डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है कि मीटर में है। अंडरस्टैंड गाइस, सो आई होप आप सब लोग समझदार हैं, इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सो गाइस प्रोपगेशन टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस मेरा कितना है यहाँ पर, 600 into 10 to the power 3 मेरा मीटर में आ गया, अपॉन स्पीड मेरा कितना है, 3 into 10 to the power 8 से डिवाइड करो, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आपका है मीटर, तो मीटर से आपका मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 2 मेरा कितना होता है, 6 होता है, कितना होता है गाइस, 6 होता है, तो कितना हो जाएगा मेरा ये, 10 to the power 5 हो जाएगा। सो 2 into 10 to the power 5 into 10 to the power -8 कितना हो जाएगा मेरा, 2 milliseconds हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 milliseconds। सो प्रोपगेशन टाइम भी मेरा कितना आ गया दोस्तों, 2 milliseconds। अब मुझे सिंपली क्या निकालना है यहाँ पर, ट्रांसमिशन टाइम निकालना है एसी के का, ट्रांसमिशन टाइम निकालना है किसका गाइस, एसी के का। तो एसी के का साइज कितना है, 80 byte, कितना है दोस्तों, 80 byte। तो इसको मुझे बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 80 into 8 डिवाइड बाय जो मेरी बैंडविड्थ है गाइस कितनी है, 4 megabits per second। सो 4 into 10 to the power 6 कितना हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 160 एंड व्हेन इट विल गो अबव देन व्हाट, 10 to the power -6 हमें निकालना किसमें, इसको मिली सेकंड में।
तो 10 2 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करिए और 10 2 की पावर माइनस 3 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा मेरा दोस्तों, ये 160 अपॉन, इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम लोग, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 2 की पावर माइनस 3। तो 1000 से इसको डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करो, इसको जब इससे डिवाइड करोगे डेसिमल लगाओगे जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.16 मिलीसेकंड। कितना आ जाएगा दोस्तों 0.16 मिलीसेकंड मेरा एसीके का ट्रांसमिशन टाइम आ गया। तो एक पैकेट को ट्रांसमिट करने का टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम फॉर वन पैकेट इक्वल टू ट्रांसमिशन टाइम पैकेट का कितना है गाइस 2 मिलीसेकंड। सो 2 मिलीसेकंड प्लस प्रोपगेशन टाइम 2 इंटू पीटी, तो 2 इंटू पीटी कितना हो जाएगा 2 मिलीसेकंड है तो 4 मिलीसेकंड हो जाएगा प्लस, और जो ट्रांसमिशन टाइम है एसी के का वो कितना आया 0.16 मिलीसेकंड, तो टोटल कितना हो जाएगा 6.16 मिलीसेकंड। क्लियर दोस्तों, 6.16 मिलीसेकंड वन पैकेट का। बट सेंडर को कितने पैकेट ट्रांसमिट करने हैं, ट्रांसमीटर को कितने पैकेट ट्रांसमिट करने हैं 10 केबी का, फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए बी को 10, टोटल कितने ट्रांसमिट करने हैं 10। देयरफोर 10 पैकेट्स के लिए टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 पैकेट्स के लिए टाइम कितना हो जाएगा 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6.16 मिलीसेकंड से, तो टोटल टाइम मेरा कितना आ जाएगा 61.6 मिलीसेकंड। क्लियर नाउ गाइस, ईच एंड एवरीवन क्लियर दोस्तों, क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको यहाँ से एक बात जरूर समझ में आई होगी कि कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन देखने में आपको बड़े लगते हैं, बट अगर आपको फॉर्मूलाज रिमेंबर है, कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है, तो आप सारे लोग ऐसे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे दोस्तों। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, क्लियर, सभी लोग सॉल्व कर ले जाएंगे बहुत ही अच्छे से ऐसे क्वेश्चन को। सो आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज का, इस क्वेश्चन सीरीज का, प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का, ओके, कंप्यूटर नेटवर्क की। सो दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ गेट 2021 गाइस। तो दबाकर सेशन को लाइक करो, शेयर करो, हम टीचर्स को मोटिवेट करो गाइस, इट्स अ सिंपल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल गाइस। बहुत बढ़िया। सो गाइस मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहा हूँ, मैं अगले क्वेश्चन पर मूव कर रहा हूँ दोस्तों, रिप्लाई मी फास्ट, कैन आई मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यस, बहुत बढ़िया। तो मैं मूव करने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन मेरा ये है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और सीआरसी से भी एक क्वेश्चन आपका मान के चलिए कि एग्जाम में गेट 2021 के एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि सीआरसी से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, ओके, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट टू एंड हाफ मिनट में अगर आप अच्छे से जाओगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपसे वो दो या तीन चीजें पूछ सकता है, या तो आपसे सीआरसी बिट्स पूछ सकता है, सीआरसी जनरेटर आपको देगा और आपको डेटा बिट्स देगा, ठीक है, तो सेंडर आपका क्या डेटा ट्रांसमिट करेगा वो आपसे पूछ सकता है, या तो या सेंडर साइड पे आपका सीआरसी बिट्स कितना कैलकुलेटर को होकर आ रहा है वो पूछ सकता है। तो ये दो चीजें ही आपसे पूछ सकता है, अंडरस्टैंड, या क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, वो पूछ लेगा कि डेसिमल सम क्या है, जो ट्रांसमिटेड बिट्स है जो सेंडर आपका ट्रांसमिट कर रहा है रिसीवर को, उसका सम डेसिमल में कितना आ रहा है, डेसिमल में जब उसको आप सम करोगे तो कितना आएगा, अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, क्लियर, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे जो यहाँ पर सीआरसी जनरेटर पॉलीनोमियल गिवन होता है, इसको हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, बाइनरी में। सो बहुत सारे लोगों को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ये मेरा कोई पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन है गाइस। सो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री क्या है पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन की, 5। सो एक्स की पावर 5 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एक्स की पावर 5 का कोफिशियंट क्या होगा दोस्तों, 1 होगा प्लस, उसके बाद x की पावर 4 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सो 0 होगा उसका कोफिशियंट x की पावर 4 का प्लस, x की पावर 4 के बाद x की पावर क्यूब होना चाहिए वो यहाँ पर है, तो x की पावर क्यूब का जो कोफिशियंट होगा वो आपका 1 होगा प्लस, x क्यूब के बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए वो भी नहीं है, सो उसका कोफिशियंट क्या होगा, 0 होगा, एक्स स्क्वायर के बाद x होना चाहिए मेरा x है, तो x का कोफिशियंट क्या होगा गाइस, 1 होगा प्लस, x के बाद x नॉट होना चाहिए वो भी मेरा है, तो किसी की पावर भी अगर नॉट होती है तो वो आपका 0 होती है तो आपका 1 होता है, तो उसका कोफिशिएंट भी आपका यहाँ पर है 1। अंडरस्टैंड गाइस एवरीवन, क्लियर नाउ, सो इसका मेरा बाइनरी क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1, ओके। तो यहां तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों।
सो सीआरसी में हम लोग क्या करते हैं, सीआरसी में एरर डिटेक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं बाइनरी डिवीजन करते हैं, ओके, और सम जो हम लोग करते हैं वो एक्जोर करते हैं। क्या करते हैं? एक्जोर। एक्जोर का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर सेम बिट्स हैं, जैसे वन एक्जोर वन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो। सेम बिट्स हैं अगर तो जीरो एक्जोर जीरो करोगे, सेम बिट्स हैं तो जीरो मिलेगा। डिफरेंट बिट्स हैं लाइक वन एक्जोर जीरो तो आपको क्या मिलेगा, वन। जीरो एक्जोर वन अगर डिफरेंट बिट्स हैं तो आपको वन मिलेगा, सेम बिट्स हैं तो आपको जीरो मिलेगा। ये मेरा एक्जोर होता है, एक्जोर की प्रॉपर्टी होती है गाइस, ओके क्लियर। तो यहां पर मेरे कितने कितने वन है, कितने कितनी डिजिट है यहाँ पर सीआरसी में, सिक्स। तो कितने जीरो हम लोग पैड करेंगे सेंटर साइड पर डेटा बिट्स में, उसके बाद डिवाइड करेंगे, फाइव जीरो। कितने जीरो? एन माइनस वन जीरो पैड करते हैं, एन माइनस वन जीरो। तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी है गाइस, सिक्स है। तो कितने जीरो पैड करेंगे, एन माइनस वन, सिक्स माइनस वन, फाइव जीरो। फाइव जीरो पैड करेंगे डेटा बिट्स में, उसके बाद डिवाइड करेंगे इसी पॉलिनोमियल जनरेटर से। तो जो लास्ट में मेरा रिमाइंडर बचेगा वो मेरा होता है सीआरसी बिट्स, उसके बाद में बात करते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो गाइस मेरा यहाँ पर कितना है, 101011 से हम लोग को डिवाइड करना है, किसको, 110110010। और यहाँ पर कितने जीरो ऐड करने हैं हम लोग को गाइस, फाइव जीरो ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5, इतने जीरो ऐड करने के, नहीं दोस्तों बिल्कुल करने हैं, ठीक है। तो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग बाइनरी डिवीजन करते हैं गाइस। कैसा डिवीजन करते हैं हम लोग, बाइनरी। तो यहां पर मेरा वन है तो कितने टाइम डिवाइड करोगे, वन टाइम, तो वन टाइम डिवाइड करो। सो 10, ओके, 10 एंड डबल वन। सो गाइज एज आई टोल्ड यू कि हम लोग क्या करते हैं कि एक्जोर करते हैं। क्या करते हैं? एक्जोर। मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए। सो डिफरेंट बिट्स हैं तो वन, सेम बिट्स हैं तो जीरो। डिफरेंट बिट्स हैं तो वन, डिफरेंट बिट्स हैं तो वन, डिफरेंट बिट्स हैं तो वन, सेम बिट्स हैं तो जीरो। तो जीरो को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? डिस्कार्ड कर देंगे। क्लियर है एवरीवन गाइस? क्लियर नाउ? फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बिट्स को यहां पर कॉपी कर लेंगे। तो वन को मैंने यहां पर कर लिया कॉपी, अभी भी मेरा यहां पर वन है तो वन टाइम ही डिवाइड करेंगे। सो 10 10 एंड वॉट डबल वन, इन दोनों के बीच में फिर से क्या करेंगे, एक्जोर ही करेंगे। तो सेम बिट्स है तो जीरो, 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 डिफरेंट बिट्स है तो वन, सेम बिट्स है तो जीरो। इसको मैंने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। क्लियर? ऐसे ही हम लोग लास्ट वाली बिट को डिस्कार्ड करते रहेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस वाली को हम लोग फिर यहां पर कॉपी कर लेंगे, मैंने कॉपी कर लिया। यहां पर आपका वन है, फिर से वन टाइम डिवाइड करेंगे। सो गाइज 10 10 11, तो मेरा कितना आएगा, एक्जोर ही करेंगे। डिफरेंट बिट्स है तो वन, वन, सेम बिट्स है तो जीरो, डिफरेंट बिट्स है तो वन, सेम बिट्स है तो जीरो, सेम बिट्स हैं तो जीरो। इसको फिर से डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट वाली बिट को फिर से यहां पर कॉपी करेंगे, वन है मेरी वो। तो यहां पर मेरी पहली बिट क्या है, जीरो है, तो जीरो टाइम डिवाइड करेंगे अब की बार, ठीक है। तो जीरो 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 जीरो। तो गाइस मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंट बिट्स हैं तो वन, डिफरेंट बिट्स हैं तो वन, डिफरेंट बिट्स हैं तो वन, सेम बिट्स हैं तो जीरो, डिफरेंट बिट्स हैं तो वन, सेम बिट्स हैं तो जीरो। इस वाले जीरो को मैंने कर दिया यहाँ पर डिस्कार्ड। नेक्स्ट वाली बिट को फिर से मैंने कॉपी कर लिया गाइस, यहाँ पर ये मेरा आ गया यहाँ पर जीरो। तो यहाँ पर मेरा वन है तो वन टाइम डिवाइड करेंगे। कितने टाइम डिवाइड करेंगे, वन टाइम। सो 10 10 11, क्लियर। सो मेरा यहाँ पर डिफरेंट बिट्स है तो वन, सेम बिट्स है तो जीरो, डिफरेंट बिट है तो वन, सेम बिट्स है तो जीरो, सेम बिट्स है तो जीरो, सेम बिट्स है तो जीरो। इस वाले जीरो को डिस्कार्ड करो और नेक्स्ट बिट को यहाँ पर कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट बिट मेरा क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर आपका जीरो है तो जीरो टाइम डिवाइड करेंगे। तो जीरो टाइम डिवाइड करो फटाफट सभी लोग इसको, ठीक है। एक्जोर ही करेंगे तो सेम बिट्स है तो जीरो, डिफरेंट बिट्स है तो वन, सेम बिट्स है तो जीरो, डिफरेंट बिट्स है तो वन, सेम बिट्स है तो जीरो, डिफरेंट बिट्स है तो जीरो, सॉरी सेम बिट्स है तो जीरो। इसको फिर से डिस्कार्ड करो और नेक्स्ट वाले जीरो को यहां पर कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट वाले जीरो को मैंने यहां पर कॉपी किया, अभी मेरा यहां पर क्या है, जीरो है। तो जीरो टाइम डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6। रिजल्ट मेरा क्या आने वाला है, सेम बिट्स है तो जीरो जीरो, वन, डिफरेंट बिट्स है तो जीरो वन जीरो। इसको डिस्कार्ड करो, नेक्स्ट बिट को यहाँ पर कॉपी कर लो। नेक्स्ट बिट को हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, जीरो। तो मेरा यहाँ पर क्या है, अब की बार वन है तो वन टाइम डिवाइड करेंगे। सो 10 10 11, तो रिजल्ट मेरा क्या आने वाला है दोस्तों, रिजल्ट मेरा क्या आएगा, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पर यहाँ क्या आएगा, वन आएगा, यहाँ पर भी वन आएगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो। इस वाले जीरो को मैंने डिस्कार्ड कर दिया।
तो नेक्स्ट वाले जीरो को मैंने कहां पर कॉपी कर लिया, यहां पर कॉपी कर लिया। तो यहां पर जीरो है तो जीरो टाइम में डिवाइड करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 तो क्या आएगा, सेम बिट्स है तो जीरो, डिफरेंट बिट्स है तो 1 1 0 0 0। इस वाले जीरो को मैंने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। तो अगले वाले जीरो को मैंने यहां पर कॉपी कर लिया, ठीक है। अंडरस्टैंड गाइस, अंडरस्टैंड। सो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर फिर से मेरा जीरो है तो जीरो टाइम ही डिवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कितना आएगा मेरा, यहां पर जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर वन, यहां पर वन, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो। इस वाले जीरो को डिस्कार्ड करिए यहां से, ठीक है दोस्तों, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो अगले वाले जीरो को हम लोग, अगली वाली बिट को हम लोग यहां पर कॉपी करेंगे कि नहीं, बोलो यस और नॉट, बोलिए यस और नॉट गाइस, यस भाइयों। तो यहां पर मैंने कॉपी किया, यहां पर नेक्स्ट, यहां पर पहली बिट मेरी क्या है, जीरो, फिर से जीरो टाइम डिवाइड करेंगे, तो जीरो 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 कितना आ जाएगा, जीरो 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 वन वन, ओके, और जीरो। इस वाले जीरो को मैंने डिस्कार्ड किया तो मेरा कितना बिट्स बच गया यहाँ पर गाइस, मेरी 86 बिट्स कितनी हो गई यहाँ पर, दीज आर माय 86 बिट्स। सो आपका सेंडर क्या करता है, जो 50 उसने यहाँ पर ऐड किए थे, पैड किए थे डेटा बिट्स में, उनको रिमूव करेगा और उनके प्लेस पर क्या पुट करेगा, ये 86 बिट्स को प्लेस करेगा और डेटा को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। सो ट्रांसमिटेड डेटा मेरा गाइस कितना हो जाएगा, ट्रांसमिटेड डेटा मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। सो 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0, उसके बाद मेरा 86 बिट्स कितना आ रहा है, 1 1 0 0। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, नाउ क्लियर, आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, अंडरस्टैंड, क्लियर। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, अंडरस्टैंड, ओके। फाइंड द डेसिमल सम ऑफ एक्चुअली ट्रांसमिटेड बिट्स, तो आप इनका डेसिमल सम निकाल लेना, ठीक है। ये मेरा 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है, यहां पर 64 होता है, एंड सो ऑन, 128 होता है, एंड सो ऑन गाइस। तो निकाल लोगे ना सभी लोग, निकाल लोगे ना इसका डेसिमल सम, आपको सम करना है 8 प्लस 16 का प्लस 128 का, ऐसे आपको सम करके आंसर देना है। सो आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से गाइस, अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, क्लियर नाउ, क्लियर, बहुत बढ़िया गाइस। तो यहां से आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस गाइस, दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये मेरा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कंसीडर ए नेटवर्क दैट हैज टू होस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2000 किलोमीटर, ठीक है, दो होस्ट के बीच की डिस्टेंस आपको यहां पर गिवन है, द प्रोपगेशन स्पीड ऑफ द मीडिया इज दिस, स्पीड भी आपको गिवन है, एंड द बैंडविड्थ ऑफ द लिंक इज 100 Mbps, बैंडविड्थ भी आपको गिवन है। वी आर यूजिंग व्हाट सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल विद अ पैकेट साइज ऑफ 20 KB, ओके, द नेटवर्क इज टू बी यूज्ड टू इट्स फुल कैपेसिटी, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द सीक्वेंस नंबर। सो गाइस, द नेटवर्क इज टू बी यूज्ड टू इट्स फुल कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है कि एफिशिएंसी जो नेटवर्क की है वो 1 है या 100% है, तो 100% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो गाइस स्टॉप, जो आपका सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 1 प्लस 2 ए, और ए इक्वल टू मेरा क्या होता है गाइस, प्रोपगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। सो गाइस प्रोपगेशन टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और ट्रांसमिशन टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें यहां पर। सो प्रोपगेशन टाइम का फॉर्मूला सबको पता होता है क्या होता है गाइस, जल्दी से मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, क्लियर। तो प्रोपगेशन टाइम इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस मेरी किसमें है, किलोमीटर में, एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन कि आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, पहले मीटर में कन्वर्ट करो। सो 2000 × 10^3 डिवाइड बाई जो मेरी स्पीड है वो कितनी है, 2 × 10^8, क्लियर एवरीवन गाइस, क्लियर। तो मेरा कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो प्रोपगेशन टाइम मेरा कितना आ गया, प्रोपगेशन टाइम मेरा कितना आ गया, 10^6 अपॉन 10^8, कितना हो जाएगा, 10^-2, 10^-2, क्लियर एवरीवन गाइस। इसको मिली सेकंड में निकाल लेते हैं, मिली सेकंड में, ठीक है, या तो सेकंड में जाने देते हैं, मिली सेकंड में निकाल लो, 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10^-3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 10 मिली सेकंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 मिली सेकंड,
अंडरस्टैंड गाइस, आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है, ये सेंटर की विंडो साइज निकालनी है। क्या निकालनी है? सेंटर की विंडो साइज। इफिशियंसी आपको गिवन है, प्रोपगेशन टाइम हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ट्रांसमिशन टाइम भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें ए की वैल्यू पता चल जाएगी। सो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सेंटर विंडो साइज निकाल लेंगे यहाँ पर। सो टीटी इक्वल टू मेरा क्या होता है, पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ, और पैकेट साइज मेरा कितना है, 20 किलो बिट्स में गिवन है। सो 20 × 10^3। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया। अपॉन व्हाट, अपॉन 100 Mbps। सो 100 × 10^6, ठीक है। तो इस जीरो से आपका ये जीरो खत्म हो जाएगा, 25 से आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो गाइज 1/5 ये आपका आ जाएगा मिली सेकेंड में, ठीक है। सो कितना हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा 0.2 मिली सेकेंड। कितना हो जाएगा, 0.2 मिली सेकेंड गाइज, क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डेसिमल लगाओगे तो जीरो आ जाएगा और 0.2 मिली सेकेंड आ जाएगा। सो गाइज मेरी ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, प्रोपगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। तो प्रोपगेशन टाइम मेरा कितना है दोस्तों, आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो प्रोपगेशन टाइम मेरा है 10, तो 10 मिली सेकेंड अपॉन जो मेरा ट्रांसमिशन टाइम कितना है, 2 मिली सेकेंड, 0.2 मिली सेकेंड। सो 0.2 मिली सेकेंड से इसको डिवाइड करिए, डेसिमल हटाओगे यहाँ पर आ जाएगा आपका जीरो। कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 50। और इफिशियंसी मेरी कितनी है, 1। फॉर्मूले में रखो, 1 इक्वल टू एन अपॉन 1 प्लस 2 × 50। तो एन की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहां से, एन इक्वल टू 101। कितना आ जाएगा, 101। अंडरस्टैंड गाइस, और फ्लेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो क्या होता है, जो आपकी सेंडर की विंडो साइज होती है इक्वल टू होती है रिसीवर की विंडो साइज की, क्लियर। तो टोटल विंडो साइज कितनी हो जाएगी यहां पर, हम इसको ऐड कर देंगे, टोटल विंडो साइज कितना हो जाएगा मेरा यहां पर, एंड सेंडर की विंडो साइज कितनी है 101, और रिसीवर की भी कितनी होगी 101, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 202। तो दिस इज माय टोटल विंडो साइज। और गाइस सीक्वेंस नंबर फील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग, सीक्वेंस नंबर हम लोग फील्ड कैसे निकालते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, लॉग बेस 2 202 की हम लोग सील वैल्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे, सील वैल्यू। तो 2^7 कितना होता है, 128। कितना आ जाएगा मेरा, 8 bits आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 bits। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को, अंडरस्टैंड गाइस। तो सिलेक्टिव रिपीट है इसलिए हम लोगों ने सेंटर विंडो साइज को निकाला, उसको डबल कर दिया, क्योंकि सेंटर विंडो साइज इक्वल टू रिसीवर विंडो साइज होता है सिलेक्टिव रिपीट में। और इट इज यूजिंग व्हाट, फुल कैपेसिटी, मींस ये फुल एफिशिएंसी के साथ रन हो रहा है, मतलब 100% एफिशिएंसी है। तो ईटा की जगह हम लोग 1 रख सकते हैं। तो मैंने कैलकुलेट जैसे किया, आप सबको समझ में आया, अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर हुआ आप सभी को, आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें, बोलिए यस यस, चलो आगे मूव करते हैं। सो गाइस दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप CSMACD में एक फॉर्मूला होता है, अगर आप उसको जानेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। ये आपका है यहाँ पर 0 km/s और यहाँ पर है डॉट, ठीक है, फुल स्टॉप है आपका। व्हाट इज द मिनिमम फ्रेम साइज इन बाइट्स, फ्रेम साइज पूछ रहा है आपसे। मैं क्वेश्चन को एक बार लर्न पढ़ देता हूँ आपके लिए। कंसीडर बिल्डिंग ए CSMA/CD नेटवर्क रनिंग एट 1 Gbps ओवर ए 1 km केबल विद नो रिपीटर्स। The signal speed in the cable is what, this one, 2 × 10^5 km/s. What is the minimum frame size? So guys, try करिए इस क्वेश्चन को एक बार, सभी लोग try करिए। मैं आपको 1 minute का time दे रहा हूँ, मैं आपको guys 1 minute का time दे रहा हूँ दोस्तों। Try करिए इस क्वेश्चन को सभी लोग, इस क्वेश्चन को सभी लोग try करिए दोस्तों, try करिए फटाफट सारे लोग इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया। सो गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, व्हाट इज द मिनिमम फ्रेम साइज इन बाइट्स, ओके। सो CSMA/CD में एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर आपको पता हो, CSMA/CD में एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है गाइस, लोकल एरिया नेटवर्क में वो होता है आपका TT, ट्रांसमिशन टाइम, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × PT, ठीक है। सो यहां पर आपको बैंडविड्थ गिवन है,
दो हॉस्ट के बीच की आपको डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर, और आपकी जो सिग्नल की स्पीड है वो भी 2000 किलोमीटर पर सेकेंड ही गिवन है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, फ्रेम साइज निकालना है। सो गाइस, ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रेम साइज अपॉन, सपोज फ्रेम साइज को हम लोग एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ मेरी किसमें गिवन है, 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड में, मीन्स 1 × 10^9 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 2 × 2, ओके। प्रोपगेशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस मेरी कितने किसमें गिवन है, किलोमीटर में, तो किलोमीटर ही रहने दो, 1 अपॉन 2 × 10^5, 1 अपॉन 2 × 10^5 गाइस। जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 10^4 बचेगा, और 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बचेगा, 10^4 bits, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 bits। आंसर आपसे किसमें पूछा गया है, जिसने बाइट्स में पूछा है, तो डिवाइड कर दीजिए इसको 8 से, कितना आ जाएगा, 1250 bytes। क्लियर क्लियर ईच एंड एवरीवन गाइस, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा ये क्वेश्चन सारे, अंडरस्टैंड क्लियर गाइस। चलो मैं अगला यहां पर आपके लिए सॉल्व कर देता हूं क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो गाइस ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जब भी हम लोग नेक्स्ट सेशन लेंगे सो यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन गाइस, यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टू नोड्स है ए एंड एस, ए मेरा ट्रांसमीटर है और एस मेरा रिसीवर है, आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द लिंक ऑफ बैंडविड्थ 10 Mbps, एंड द प्रोपगेशन डिले आपको डायरेक्टली गिवन है 100 मिलीसेकंड, सपोज ईच डेटा फ्रेम साइज इज 1 किलोबाइट, एंड एसी के साइज इज 40 बाइट, एसी के साइज भी आपका नेग्लिजिबल नहीं है, गिवन है, सपोज ए स्टैंडिंग विंडो साइज इज 4 किलोबाइट एंड द रिसीवर्स रिसीविंग विंडो साइज इज व्हाट, 10 MB और 10,000 फ्रेम्स, व्हाट इज एज थ्रूपुट गाइस। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में, जब भी हम लोग नेक्स्ट सेशन लेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा, अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस। सो क्लियर हुआ सभी को आज के सेशन में, मजा आया सभी को गाइस, सो मजा आया हो तो सारे लोग सेशन को लाइक करके जाएंगे, शेयर करके जाएंगे अपने अपने ग्रुप्स में गाइस। तो गाइस जी मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल है, जिसमें मुझे 427+428 लोग मुझे फॉलो कर चुके हैं, एंड दे आर एंजॉइंग माय फ्री स्पेशल क्लासेस गाइस। तो आपको भी अगर मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को एंजॉय करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक गिवन है, उसके थ्रू मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, या आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप है वहां पर मेरा नाम टाइप करिए पंकज मिश्रा, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, मुझे फॉलो कर लीजिए, तो आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को एंजॉय कर पाएंगे अगर आप मुझे क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पर आप 6 मंथ, 12 मंथ, ओके 18 मंथ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सो गाइस जैसे ही मेरा कोड PLIVE यूज करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 10% के डिस्काउंट के बाद जो आपकी फीस हो जाएगी 27,225 हो जाएगी, 18 मंथ की जो फी होगी आपके 10% डिस्काउंट के बाद, जैसे ही मेरा कोड PLIVE यूज करोगे, जैसे ही PLIVE यूज करोगे 10% का डिस्काउंट ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, तो फीस आपकी हो जाएगी 34,650, 24 मंथ की फी कितनी हो जाएगी 39,600, जैसे ही मेरा कोड PLIVE यूज करोगे, ओके गाइस। यहाँ पर फीस आपकी चेंज हो गई है, फीस आपकी हो गई है 45,225, और यहाँ पर आपकी फीस 24 मंथ की हो गई है 66,600। सो गाइस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस आपकी थोड़ी सी हाई है, बट यहाँ पर आपको फैसिलिटीज बहुत है, तो गाइस 12 मंथ की फी आपकी हो जाएगी आफ्टर 10% डिस्काउंट, जैसे ही मेरा कोड PLIVE यूज करोगे 45,225, और 24 मंथ की फी कितनी हो जाएगी आपकी 66,600, जैसे ही मेरा कोड PLIVE यूज करोगे 10% का डिस्काउंट आपको यहां पर भी मिलेगा, ठीक है गाइस। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट गाइस, हम लोग कल फिर से मिलेंगे एक मैराथन सेशन में, वहां पर भी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है गाइस, उनको सॉल्व करेंगे। सो हाउ द जोश गाइस, लास्ट में हाई होना चाहिए हमेशा, क्या होना चाहिए, हाई। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।